बच्चों हम पढ़ चुके हैं सात भाग किस कहानी के, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के। और अब तक की कहानी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, पर अभी के आखिरी भाग में क्या हुआ? वो जो सफ़ेद घोड़ा था ना, जिसके ऊपर बैठ के एरम और मुराद जा रहे थे, कहाँ पे? वो सिंचाई वाले नाले के पास में उस घोड़े की सवारी करने के लिए जब वो जा रहे थे, तब क्या हुआ? उनको कौन मिला? जॉन बायरो। वो कौन था? जिसका घोड़ा खो गया था। और जॉन बायरो ने उस घोड़े का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या जॉन बायरो को पता चलेगा कि उसी का घोड़ा है? और क्या सच में वो उसी का घोड़ा है या नहीं है? भाई जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, वॉट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? तो जॉन बायरो ने क्या बोला? सुप्रभात मेरे दोस्त के बच्चों, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो जो मेरा कज़िन था मुराद, उसने अर्मेनियन भाषा में क्या बोला? उस घोड़े का नाम क्या बताया बच्चों? माई हार्ट, मेरा दिल। तो ये नाम रखा था मुराद ने उस सफ़ेद घोड़े का। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। एक बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा नाम है इस घोड़े का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि ये खूबसूरत सा घोड़ा है। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. तो बच्चों swear करना मतलब किसी की कसम खाना, है ना? तो क्या बोल रहा है ये जॉन बायरो? वो ये बोल रहा है कि मैं कसम खा सकता था कि ये घोड़ा वही है जो मेरे यहाँ से कई हफ्तों पहले चोरी हो गया था। May I look into his mouth? और ये बोलते हुए क्या बोला उसने कि क्या मैं इसके मुँह में देख सकता हूँ? Of course, Murad said. तो मुराद ने क्या बोला? जी बिल्कुल। The farmer looked into the mouth of the horse. और ये जब उसने आज्ञा दे दी मुराद ने कि हाँ भाई तुम इस घोड़े के मुँह में देख लो, तब जॉन बायरो ने क्या किया? उस घोड़े में मुँह में देखना शुरू किया। Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, tooth for tooth। यहाँ पे tooth for tooth का मतलब क्या रहा है? भाई दो घोड़ों की बात हो रही थी, एक वो घोड़ा जो जॉन बायरो के पास था जो चोरी हो गया था, और एक वो घोड़ा जो कि मुराद के पास में है जिसका नाम था माय हार्ट। जब जॉन बायरो ने उस पूरे घोड़े का निरीक्षण किया और यहाँ तक कि उसके मुंह में भी झांक के देखा, तो उसने क्या पाया कि सिर्फ उस घोड़े की कद काठी ही नहीं, एकदम दांत भी दोनों घोड़े के एक जैसे हैं, अलग नहीं है। कद काठी एक है, रंग एक है, दांत भी एक जैसे ही हैं। और इसी बात के लिए उसने क्या बोला? टूथ फॉर टूथ, मतलब इनके तो दांत भी एक जैसे हैं। यानी कि जॉन बायरो को याद है उसके घोड़े के दांत कैसे हैं और वैसे ही दांत इस घोड़े के भी हैं। फिर क्या बोल रहा है ये? आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। और मैं कसम खा सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। जो तुम्हारे परिवार की जो ख्याति है ना, ख्याति का मतलब फेम, है ना? ख्याति का मतलब देखिए बच्चों, प्रतिष्ठा और ख्याति दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? फेम शब्द के लिए यूज़ किए जाते हैं। फेम को हिंदी में इन दोनों शब्दों से आप दे सकते हैं मतलब। तो यहाँ पे भी क्या मतलब हो रहा है कि भाई जो तुम्हारे जो परिवार की जो ख्याति है, किसकी, किस लिए? ऑनेस्टी की, है ना, ईमानदारी की, सच्चाई की, वो जग जाहिर है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये वैसा ही घोड़ा है जैसा मेरे पास है। ये मेरे ही घोड़े का क्या है? जुड़वा है, ट्विन है। मतलब जॉन बायरो अभी भी क्या समझ रहा है कि नहीं, ये दोनों बच्चे उस कबीले से संबंध रखते हैं जो कि फेमस है, प्रतिष्ठित है। किस लिए? अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए। इसलिए ये घोड़ा वो नहीं हो सकता जो कि उसके पास था। और इसीलिए उसने क्या बोला कि भाई ये तो मेरे उसी घोड़े का जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Suspicious man, एक ऐसा व्यक्ति होता है बच्चों जो कि शक्की स्वभाव का होता है ना? तो जो शक्की स्वभाव का व्यक्ति है वो अपनी आँखों से ज़्यादा अपने दिल पे विश्वास करता है। क्या ये बात सही है? नहीं। एक शक्की व्यक्ति अपने दिल से ज़्यादा अपनी आँखों पे भरोसा करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और ये बोलते हुए उनको क्या बोला कि भाई आपका दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड। तो जॉन बायरो को मेरे कज़िन मुराद ने बोला कि भाई आपका दिन भी शुभ हो।
Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. अगली सुबह हम वो जो घोड़ा था वो लेके जॉन बैरो के विनियर्ड में गए. विनियर्ड यानी कि जॉन बैरो का जो अंगूरों का बाग था वहाँ गए और वहाँ पे हमने उस बाड़े में रख दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. तो जो कुत्ते थे वो भी हमारे आसपास और पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन कुछ आवाज़ नहीं कर रहे थे. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. तो मैंने फुसफुसाते हुए बोला, विस्पर करना मतलब फुसफुसाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बोलना. और मैंने क्या बोला कि जो कुत्ते हैं मुझे लगा था हमें देख के भौंकेंगे, बार्क करेंगे मतलब भौंकेंगे. दे वुड एट समडे समबडी एल्स ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स. तो मुराद ने क्या बोला, वो बिल्कुल भौंकते अगर कोई और व्यक्ति होता, पर मेरा तो कुत्तों के साथ भी अपना ही एक तरीका है. तो बच्चों मुराद एक बहुत ही अजीब सा व्यक्ति है. वो क्या बोलता है बच्चा, भाई घोड़े के बारे में बात हो तब भी कहता है भाई मेरा तो घोड़ों के साथ एक अलग ही व्यवहार है ना. फिर अगर फार्मर की बात हो तब भी वो यही बोलता है कि भाई किसानों के साथ भी मेरा एक अपना तरीका है. और यही बात वो किसके लिए बोल रहा है, कुत्तों के लिए भी बोल रहा है. और वो कुत्ते भी सच में उस तरीके में ढल गए हैं कि वो कुत्ते भौंक भी नहीं रहे. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into horse's nose, patted it, and then we went away. तो मेरे कज़िन मुराद ने अलविदा करते हुए क्या किया, उस घोड़े के आसपास अपनी बाहें डाली, उसकी नाक से अपनी नाक मिलाई, उसको थपथपाया, पैट किया मतलब थपथपाया, और फिर हम लोग वापस चल पड़े. That afternoon, John Barrow came to a house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. और उसी दोपहर को John Barrow कहाँ आए, हमारे घर पे आए. किस में बैठ के, अपने सर्रे में बैठ के. सर्रे क्या होता था बच्चों, याद है ना, घोड़ा गाड़ी. और उस घोड़ा गाड़ी में आगे कौन सा घोड़ा लगा हुआ था, भाई वो चोरी हुआ हुआ सफ़ेद रंग का घोड़ा वही लगा हुआ था. और उसने अपनी जो एरम की मम्मी है उनको क्या दिखाया कि भाई ये देखो ये वही घोड़ा है जो कि चोरी हो गया था लेकिन किसी ने वापस लौटा दिया. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. तो बताते हुए कि भाई चोरी हो गया था फिर वापस आ गया, ये सब बताते हुए जॉन बैरो क्या बोले कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या सोचना चाहिए. The horse is stronger than ever. जो घोड़ा है वो पहले से भी ज़्यादा बलवान हो गया है, stronger हो गया है, बहुत ज़्यादा बलवान हो गया है. Better tempered too. और यहाँ तक कि वो पहले से ज़्यादा क्या हो गया है, शांत हो गया है, संयमित हो गया है. बेटर टेम्पर्ड मतलब पहले से ज़्यादा शांत और संयमित हो गया है. आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ. माय अंकल कोसरॉफ हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट. अब वो जो मेरे अंकल थे खुसरॉफ वो कहाँ थे, वो भाई पास में कमरे में पार्लर में बैठे हुए थे. वो फिर से इरिटेट हो गए, फिर से उग्र हो गए और चिल्लाते हुए बोले, शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है, अब कोई ध्यान मत दो इसके ऊपर. तो भाई कितना भी बदलाव आ जाए खुसरौ तो क्या बोलते हैं, भाई कोई नुकसान नहीं हुआ इसके ऊपर ध्यान मत दो. लेकिन इस कहानी में हमने बहुत सारी अजीब सी बातें जानी बच्चों की, बच्चों की कितनी इच्छा थी है ना घोड़ा चलाने की. और किस तरह से इनको क्या हुआ, एहसास हुआ कि भाई इस घोड़े को अपने पास रख के कितना गलत किया इन्होंने. और इसीलिए क्या किया इन्होंने, घोड़े को वापस जॉन बैरो को लौटा दिया बिना किसी को पता चले कि घोड़ा इन्हीं के पास था. तो बच्चों ध्यान से सारे वीडियोस देखिए, ये जो आठों भाग है अच्छे से आप पढ़ लीजिए. क्यों भाई, क्योंकि अगले वीडियो में करेंगे हम इसी के क्वेश्चन एंड आंसर्स. इसीलिए ज़रूरी है ना कि आप एक एक शब्द का मतलब याद कर लें, हर सेंटेंस हर वाक्य क्या बोल रहा है वो चीज़ समझ लें, है ना. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ.